पहले यहाँ पे लोग रहते थे तो उस एरिया में हम लोगों ने कब्जा कर लिया था। सो हे गाइस, वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। तो एक्चुअली मैं आया था कल, तो आज जो है मेरा दिन मतलब बहुत लंबा जाने वाला है क्योंकि मेरे पास करने को कुछ है नहीं। वो सोच रहा हूँ कि अगल बगल वाले जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो सामने देख सकते हो ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पे जो है मछुआरे ये नाव लेके पूरा मछली पकड़ रहे। बाकी यहाँ पे जो है हमारा कॉटेज दूर दूर तक दिखता है गाइस, आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हो। एक नगर बेरा करके एक हिल है, वो रहा यहाँ से आई थिंक कुछ 20 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, 30 के आसपास होगा, लेकिन फिर भी दिखता है यहाँ से। एंड वहाँ पे जो है हमारा घर है, छोटा सा रूम है लेकिन यहाँ पे स्टे कर सकते हो। एंड ये जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर ये रहा एक, और वहाँ पे रहा एक, अंदर जाते जहाज से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन जो है स्टेयर्स हमने बनाए नहीं, पहले ऐसे थे, थोड़ा सा ठीक ठाक करके रखा है, कुछ दिनों बाद बन जाएगा। एंड फिर इसका काम भी बाकी है। एंड गाइस, यहाँ से जो है ऊपर जा सकते, पहले जा सकते थे, लेकिन अभी जो है जंगल देख सकते हो, बहुत ही घना हो गया है। एंड ऊपर से ऐसा दिखता है कुछ, वहाँ तक दूर तक दिखता है एकदम। तो यहाँ पे रहने का मज़ा आता है, लेकिन सर्दियों में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है यहाँ पे रहना। एंड हमने जो है मतलब पहाड़ में दो बार कैंपिंग कर चुका हूँ मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ, बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई किसी को भी आना है तो मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, सब कुछ अरेंज कर दूँगा। ये एग्जैक्टली कौन सा है मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे दो हिल्स है, इसका नाम मुझे नहीं पता। तो पूरा इस साइड में जो है तो पूरा इस साइड में पूरा मेघालय पड़ता है। आज वेदर इतना क्लियर नहीं है कि दिखा सको एकदम अच्छे से, लेकिन दिखता है यहाँ से। तो गाइस, ये रोड कंडीशंस देख सकते हो, बहुत ही ख़राब है यहाँ से। मतलब उल्टे साइड से पहाड़ में अच्छा है, लेकिन यहाँ से ख़राब है। तो यहाँ पर सीधा 100-150 फीट यहीं पर होगा, मतलब कुछ दूर आगे, मतलब वो जो गंगा विलास रिवर टू था वो भी यहीं से गया था, बीच में से, एकदम बीच नहीं कह सकते, पास से ही गया था। मैं वीडियो ऐड कर दूंगा। तो गाइस, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद अभी जो है पहाड़ के ऊपर आया हूँ मैं। तो चारों तरफ देख सकते हो पूरा बगान है, मतलब ये एरिया फॉरेस्ट का नहीं है, और पहले तो पूरा पहाड़ ही नहीं था फॉरेस्ट के अंदर में, लेकिन अब जो है काफ़ी जगह ले लिया गया है यहाँ से थोड़ा ऊपर। तो तब हमने यहाँ पे ये लगाया था पेड़, मतलब मेरे पापा ने लगाया था, तो अभी बहुत बड़े हो चुके हैं। हाँ, तो गाइस इतना अच्छा लग रहा है इतने पेड़ों के बीच में आके, तो पेड़ लगाओ जितना हो सके। हाँ, मैं चप्पल लेके आया हूँ क्योंकि मैंने जूता लाया नहीं कल, मैंने मतलब चप्पल ही पहन के आ गया। एंड बाकी ये लेके थोड़ा सा ज़्यादा जंगल था तो इसीलिए काटने के लिए इसको लेके आया। और बाकी जो है ये टाइम थोड़ा सा ज़्यादा डेंजरस है, 1:30 बज चुका है, मतलब दोपहर के टाइम पे पहाड़ में आना बहुत ज़्यादा रिस्की होता है क्योंकि स्नैक्स ज़्यादा निकलते हैं, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही डेंजरस स्नैक्स है। मतलब वीडियो में बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, सच में है यार। मतलब आपका हो गया कोबरा, हो गया पाइथन, और मांबा। मांबा इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे है यहाँ पे, और बहुत मोटे मोटे हैं, मतलब मेरे को खा नहीं सकते लेकिन मेरे को मार सकते, इतने बड़े तो पाइथन है यहाँ पे। और कोबरा का तो पता ही है, बच्चा भी मार देगा। तो गाइस, ज़्यादा ऊपर तक जाने का मन है नहीं, क्योंकि मतलब जितना ऊपर जाएंगे उतना रिस्क ज़्यादा होगा। तो पानी का साउंड आ रहा है मुझे छड़ 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 करके, लेकिन
देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं उल्टे साइड से आ गया हूँ। यहाँ से हम लोग का पकड़ लो 15 साल पहले रास्ता था यहाँ से। मतलब हम लोग पहाड़ के ऊपर ना पिकनिक खाने जाते थे, मैं जब बचपन में छोटा था तब। अभी जो है पहाड़ में आना जाना कम हो गया है, तो जितने भी रास्ते थे बंद हो गए हैं, मतलब जंगलों की वजह से। अरे भाई कांटेदार झाड़ियाँ, और इसकी वजह से मैं तो ज़्यादातर ज़मीन पे आता नहीं हूँ, मैं पत्थरों के ऊपर से जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा रिस्की हो गया क्योंकि चप्पल पहन के आया हूँ। लेकिन बाकी मैंने 2-3 एडवेंचर ट्रेनिंग कैंप जो है कर चुका हूँ, ट्रेनिंग ली हुई है मैंने रॉक क्लाइंबिंग की। पाँच से साल पहले मैंने यह आया था कि मैं अकेले आया था पहाड़ में, एकदम ऊपर गया था एकदम ऊपर, फिर जाके ना वहाँ पे पानी का मन, पीने का मन हो गया। फिर मैं क्या करूँ तो पेड़ के पट्टे से ग्लास टाइप का कुछ बना के वहीं से चढ़ने से पानी पी गया एकदम सीधा। तो ये जो झरना है अभी जितना बह रहा है, मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा बहता था, मतलब मैं झरने में बैठा तो बह जाता था मैं, तो इतना था। लेकिन आजकल पता नहीं क्यों बारिश की वजह से या क्या पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम हो गया, इतना पानी आ रहा है। देख रहे हो आप लोग को दिख ही रहा होगा ना, पत्थर चिकना हो गया है बहुत सारी जगहों से। तो वो क्यों होता है, जब भी पानी का स्पीड ज़्यादा होता है और बहुत सारा पानी एक साथ निकलते हैं तो तब होता है वो चीज़। लेकिन आजकल जो है ये कम हो गया है, पता नहीं क्यों, मिस करता हूँ यार ये चीज़ें। पहले यहाँ पे लोग रहते थे तो उस एरिया में हम लोगों ने कब्जा कर लिया था उस टाइम पे आके तो कब्जा मतलब कि वो लोग चले गए थे, तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे साफ सफाई करके टेंट वगैरह लगाया था, तो पूरा मस्त लगा था। 2 बार आया था मैं दिसंबर के टाइम पे। ओ भाई सब क्या क्या ही झाड़ियाँ है यार, कंप्लीट ये जगह साफ कर चुका था एकदम क्लीन। वीडियो डाल लूँगा मैं। तो सस्ता बियर ग्रिल्स मान सकते हो दोपहर में, इससे ऊपर गज नहीं जाऊंगा मैं। अब धीरे धीरे मतलब झाड़ियाँ और घनी होते जा रहे, तो इतना मतलब कर नहीं सकते, एक्सट्रीम में नहीं जाना चाहता मैं। वो जो नेट देख सकते हो वह सामने, तो ये वहाँ मतलब ऊपर वाला एरिया जो है फॉरेस्ट ने लिया हुआ है, तो चारों तरफ नेट लगा दिया है, और नेट वेट लगा के जो है एकदम चारों तरफ ब्लॉक कर चुके हैं वो लोग। तो नीचे से जाते हुए अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा लगता है कि बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, तो इसीलिए भाई धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। ऐसे कौन छोड़ता है ये, यहाँ पे पॉलीथीन मिल रहा है, कहीं पे कोई चप्पल छोड़ गया है, कहीं पे कुछ चॉकलेट का पैकेट, मतलब ना शर्म नहीं है इन चीज़ों में। खाने पीने का लेके आएंगे लेकिन यहीं पे छोड़ जाएंगे। ये देख रहे हो ये भी एक पैकेट है, मतलब क्या यार, एक जगह बैठा हूँ, यहाँ देखा तो कुछ, यहाँ देखा तो कुछ, कहीं पे देखा तो कुछ, ऐसा क्यों करते हो यार। प्लीज़ सबको मैं कह रहा हूँ, जितना हो सके जो चीज़ें लेके आते हो ये सब मतलब मत करा करो, जो भी लेके जाते हो साथ में लेके आओ बस। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो गाइस क्या मुझे ऐसे ही वीडियोस बनाना चाहिए कभी, क्योंकि मैं कभी कभार ऐसे बाइक के बिना अगर आऊँ और जगह अच्छा लगे या फिर मैं दिखाना चाहूँ तो आप लोग को क्या अच्छा लगेगा, तो उस पर कमेंट करो। एंड नेक्स्ट आप लोग को किस पे वीडियो चाहिए, मतलब मोटर ब्लॉगिंग या फिर कोई बाइक का वीडियो कुछ भी, तो वो भी कमेंट में बताओ।